क्या कर रहे हो यार, क्या बकवास अटेम्प्टेड है। किस्मत दे रही है साथ, किस्मत दे रही है साथ। ग्रीश भाई नमस्कार, हेलो अदब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार पहुंच चुका है अपने फाइनल की तरफ। एक मैच बाकी है, ये वाला फ्रांस वर्सेस मोरक्को का। फ्रांस की टीम तो चलो ठीक है, पहुंच गई सेमीफिनाले में, ठीक है। मोरक्को ने सरप्राइज किया है यहाँ पर। स्टार प्लेयर्स की बात करते हैं तो मैं फ्रांस के तो 2-4 को जानता हूँ, मोरक्को मेरे लिए फुल सरप्राइज है। तो लेट्स सी इन दोनों में से कौन जीतता है। हमने इससे पहले भी प्रिडिक्शन किया हुआ है सेमीफिनाले 1 का, अगर मिस कर दिया हो तो जरूर से देखना। इन दोनों में से मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्रांस के साथ मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो मेरा सपोर्ट जो है वो फ्रांस के साथ है। लेट्स सी मोरक्को हमको सरप्राइज कर पाता है कि नहीं। बाकी सेटअप जो है इस गेम का, ये हॉट इवेंट्स जैसा है, मैच अपने आप बन के आ जाते हैं। डिफिकल्टी मैंने देखी नहीं है, मैं देखना भी नहीं चाहता, बट लास्ट मैच पेनल्टी में गया था। लेट्स सी इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे मैच सेटअप की तरफ। मैंने पहले भी कहा था कि भाई वर्ल्ड कप मोड है, इसमें इंट्रो हर बार अलग अलग पड़ती है अलग अलग मैचेस के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली अब कस्टम मैच मेरे ख्याल से लगा तो सकते हैं, बट इंडिया है ही नहीं इसके अंदर एज अ नेशन, तो ये बहुत अजीब है। नहीं तो मैं डेफिनेटली एक इंडिया के साथ एक सीरीज करता। बाकी देखता हूँ कोई मोड्स मिलता है अगर जिसके अंदर आप इंडिया को ऐड कर सकते हो तो डेफिनेटली हम इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन करेंगे। बाकी अल बायत स्टेडियम तैयार है इस शानदार सेमीफिनाले के लिए। भाई गेम ग्राफिक्स, अब देखो ये रीज़न मुझे नहीं मालूम इस गेम की रेटिंग क्यों इतनी कम है, मतलब मिक्स्ड रेटिंग है, 50-60% रेशियो है जो कि कम कहेंगे हम लोग, बट यार खेलने में मुझे तो मज़ा आता है इस गेम को, ठीक है। और हाँ, इस बार भी वही रूल है कि बच्चे जो आगे हैं वो अपोजिशन टीम वाले होंगे, मतलब फ्रांस के आगे मोरक्को के कपड़े पहन के खड़े हैं, मोरक्को के आगे फ्रांस वाले खड़े हैं। और ये एम्बापे यहाँ पर, उसके अलावा बेंजेमा भी हैं, 2-3 नाम और भी हैं, मतलब चेहरे हैं, मैं नाम से तो नहीं जानता, 2-3 चेहरे हैं। जो सामने वाली टीम है ना उसके अंदर भी वो जो एम्बापे की टीम है उसके प्लेयर हैं पेरिस सेंट जर्मन के। और काफ़ी मोरक्को ने भाई पॉजिटिविटी दिखाई है इस टूर्नामेंट में। अब देखो ये फाइनल नेल मतलब कॉफिन पे कब डालते हैं दोनों एक दूसरे की, कौन सी टीम किस पे डालती है। मुझे ये चेहरे बहुत सही लगे बच्चों के, हर तरीके के बच्चे हैं, मेल फीमेल ब्लैक वाइट, और रिएक्शन भी, चेहरे के रिएक्शन भी सबके मस्त हैं भाई। ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये हिस्से को स्किप करते हैं, असली गेम तो यहाँ होगा। ठीक है अभी हमारा जो काम है हम यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं। ओके कुछ सेकंड तो मुझे समझने में लग गया, मापे गाय मैं ढूंढ रहा हूँ तो ओह हो पास मस्त कर रही है। ठीक है ठीक है, हम भी कम नहीं है। हर्नांडेस, हाँ ये भी बड़ा नाम है, मतलब जब आप फुटबॉल ज़्यादा नहीं देखते हो और फिर भी अगर कुछ प्लेयर्स के नाम आप जानते हो, मतलब उस प्लेयर्स में कुछ तो है जिसके कारण आप उनका नाम जानते हो, तो डेफिनेटली बड़ी बात है। वो अभी भी मेरे पास है, ठीक है। ओ भाई मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ किसको देना है। अरे रे 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 यार निकाल ली, करीब से निकाल ली भाई, मैं चाह रहा हूँ कि आप आगे आओ, मैं चाह रहा हूँ आप आगे आओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तू, तेरे भी भरोसा है, बुफाल को रोक ले। हाँ शाबाश 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 भाई, यो 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 पीछे दे दो हर बार, कुछ ज़्यादा ही फास्ट पेस चल रहा है गेम प्ले, मतलब मैंने जो लास्ट टाइम गेम प्ले किया था ना उसके कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहे हैं मोरक्को वाले। लेकिन हाँ शुरुआत इनकी अच्छी है, जगह दे दी। हाँ बच गए। छोटा पास। मैं छोटे पास से ही खेलता हूँ तो आप मुझे छोटे पास करके ही खेलते हुए देखोगे मोस्टली। ठीक है इसको तो बीट करा दे डेम्बेले, कम ऑन। लास्ट में देखते हैं कि लास्ट मोमेंट में कितना अच्छा पास दे पाते हैं, बाकी हेडर के साथ अटैक करते हुए चूक गए। ये लास्ट टाइम पता है मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया था, ये लॉब पास, इसको कौन सा पास कहते हैं जिसमें आप थोड़ा हवा में पास करते हो गेंदों को, वो हमने एक बार भी नहीं दिया था भाई। खाली थी जगह, ओके। एक अच्छा पास, यहाँ जरूरत छोटे पास की थी, ग्राउंड पास की थी बिना मतलब भाई आप। ठीक है हमारा डिफेंस मस्त मुझे लगा फ्रांस का, मुझे फ्रांस का डिफेंस सीरियसली ओपी लगा है मुझे। ठीक है अटैक। ओके वेट। पीछे क्यों गए एम्बापे? ठीक है। अच्छा मोरक्को वीक भी तो है थोड़ी कंपेरिजन टू, अब दोनों टीमों को अगर कंपेयर करते हो तो मोरक्को वीक भी तो है टीम। गलत हैडर यार, एम्बापे पहुंच ही नहीं पा रहे, बोनो ने रोक लिया यहाँ पर। ओह हैडर, ठीक है मुझे भरोसा है कि मोरक्को को मैं करने नहीं दूंगा गोल। अब ये देखना है कि मोरक्को मुझे करने देता है कि नहीं। मैं इस मामले में तो श्योर हूँ कि मैं उसको नहीं करने दूंगा, लेकिन वो मेरे आंखों के सामने से ही गेंद निकाल के ले गया है।
ठीक है हाँ ठीक है, बीट 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 बीट, वो पास मांग रहा है, मैं नहीं दूंगा। लास्ट मोमेंट पे तेरे को लॉन्ग पास देने वाला हूँ, तैयार रहना कस के। अरे हेडर 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 हेडर, दम बिना का हेडर किसी काम का नहीं भाई। हाफ एफर्ट है ना, हाफ एफर्ट, ये 10% पावर भी नहीं लगाया था इन्होंने, तो ये तो कुछ भी नहीं था इनके असली पावर पावर के सामने, तो 10% तो क्या रुकेगा भाई गोल। हाँ डिफेंस मस्त है तो सही में भाई, भैया क्या रियल में भी डिफेंस मस्त है क्या फ्रांस का? फीलिंग यही आ रही है कि फ्रांस का डिफेंस सीरियसली औसम है। अमल्ला ठीक है, अमल्ला के पास गेंद गई थी, ये आई थिंक वो प्लेयर है क्या जिनकी मदर बहुत फेमस हुई है, मतलब वो मैदान में आ गई थी, भावुक क्षण था वो। ठीक है छोटे पास कंटिन्यू रहेंगे, स्ट्रेटेजिक सिंपल सादी है आपको। ए रश नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, अभी भारी पड़ गई तो याद रहेगा, लॉन्ग अटैम्प्ट क्योंकि नज़दीक जाने नहीं दे रही है गोल पोस्ट के, तो बेचारों को दूर से ही अटैक करना पड़ रहा है। और मैं पेनल्टी फिर नहीं चाहूँगा, लास्ट टाइम भले मैंने अच्छा किया था पेनल्टी में, बट मैं पेनल्टी बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूंगा। और एम्बाप्पे इज हियर, गोल गारंटी होना चाहिए था, 1-on-1 बैटल था भाई यहाँ पे, कितना इजी चांस, मिस्टेक कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया मोरक्को, पूरी पूरी टूर्नामेंट में अंडर एस्टिमेट ही किया है लोगों ने मोरक्को को, इसीलिए मोरक्को अब सबकी वाट लगा रहे हैं यहाँ पे। आगे आएंगे, एम्बाप्पे को पहुंचने नहीं दिया, हेडर के लिए गए, चेस शॉट था ये, चेस शॉट था, ऐसा कुछ है नहीं बट हम उसको चेस शॉट कहेंगे। ठीक है छोटा पास, ओके एम्बाप्पे निकालना चाह रहे थे बट पहुंच नहीं पाए, रीच में नहीं है तो फिर कहां से निकलेगी गेंद। ओके ओके ओके, अभी भी लेकिन फुटबॉल उन्हीं के कदमों में है, मोरक्को के ही एक बड़ा पास, हेडर से रोका है, फिर से इन्हीं के पास आएगी गेंद, कोंडे कोंडे आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड बनाते हुए पोजीशन को थोड़ा संभालना है, वो निकालने की फिराक में गेंद हमारे पास से डिफेंसिव प्लेयर्स, ओके यहां तक तो ले आए, अब यहां से इसको एक गोल कन्वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहां पर गुरंडो ने अटैक किया है, पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो मेरे भाई, जब सारी टीम आगे बढ़ रही है तो तुम कहां है पीछे जा रहे हो, ये क्या हुआ, खत्म किया पहला हाफ, सीरियसली पता नहीं लगा भाई, फुटबॉल इतना इंटरेस्टिंग गेम है ना, पता ही नहीं लगा कब पहला हाफ खत्म हो गया यहाँ पे, देखते ही देखते मोरक्को को देख सकते हो आप, फर्स्ट हाफ की समाप्ति 0-0 का स्कोर है, देयर लेट्स सी सेकंड हाफ में कुछ होता है या नहीं। सेकेंड हाफ से पहले मैं बता दूं 41% का पोजीशन है, मतलब इस वक्त जो फुटबॉल है वो हमारे पास ज्यादा है। अरे ये तो फाउल है, थोड़ा और आगे होता तो मजा आती, येलो कार्ड सीधे, ये अच्छे हैं ये आज के अंपायर, मुझे लग रहा है सही है, यूसुफ नसैरी को येलो कार्ड दे दिया गया है, लेकिन फ्रांस चाहता था कि रेड कार्ड दिया जाए, वो भाई एक्टिंग करनी पड़ती है फुटबॉल में, फुटबॉल प्लस एक्टिंग इज कंपल्सरी भाई, वो भी स्पेशली चोट लगने की एक्टिंग, गिरने की एक्टिंग आपको आनी चाहिए अच्छे फुटबॉलर बनने के लिए। ठीक है लेट्स गो, हम फिर अटैक कंटिन्यू करेंगे, एन नसारी को मिल चुका है येलो कार्ड जो कि वो मेरे ख्याल से रेड डिजर्व करते थे। ए गुस्सा आया मेरे को भाई, बहुत कस के गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, आगे से रोकोगे तो संभालना भाई, क्योंकि आगे से कवर अगर मिस कर दिए तुम तो मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है वाराने ने बहुत अच्छा डिफेंस किया है, 9 नंबर गिरोड के पास है गेंद, रश करते हुए एक अच्छा पास चाहिए सिर्फ एम्बाप्पे, यहाँ पर एम्बाप्पे को ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं आज, वो कवर करके रखे हैं एम्बाप्पे की पूरी पोजीशन ही, उनके तक गेंद भी मुश्किल से आ रहा है, एक बार आया था क्लीन हिट तो जनाब मिस कर गए, उसके बाद इनको छूने ही नहीं दे रहा कोई। 1-on-1 ऑलमोस्ट निशारी, यो हो शॉट 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 शॉट, इसमें तो फिर भी थोड़ा मौका था, मतलब अगर आप देखते हो तो। ठीक है मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ करता हूँ, ये मेरा नियम है, जब भी सजेशन आता है मैं यूज़ करता हूँ, जो एम्बाप्पे के पास मौका था उससे टफ था क्योंकि साथ में भी एक प्लेयर रनअप में था, वो बॉडी पे रोकने का था उनके ऊपर चांस, एम्बाप्पे का तो क्लीन शॉट था, मिस हो गए अनफॉर्चुनेटली, 1-0 था। ठीक है अभी संभाल के, मैंने कहा तो है कि मैं एक भी करने नहीं दूंगा गोल, अब इस चीज़ को सही साबित करना होगा। ठीक है प्लेयर्स कहाँ हैं मेरे, ठीक है उन्होंने कहा कि ड्रिफ्ट कम करने का क्योंकि आपका बैलेंस बना रहे, आप ड्रिफ्ट कर दोगे तो कई बार आप आगे पीछे हो जाओगे। ओहो लास्ट टाइम भी पता है ऐसा ही हुआ था, मैंने सोचा मेरा प्लेयर का पैर है, पैर के बीच में से जाएगी नहीं, लेकिन चली गई थी साइड से, कई बार कीपर भी अटेम्प्ट नहीं करता, उसको लगता है सामने दो प्लेयर हैं इनको कैसे बीट करेगा। अब यहाँ पर कॉर्नर्स पे कॉर्नर आ रहे हैं, मेरे से अच्छा खेल रहा है इसमें कोई भी शक नहीं है, हेडर संभाल के, ओहो ललोरिस हमारे कीपर साहब एक लॉन्ग पास देते हुए, बट मुझे लग नहीं रहा कोई प्लेयर होगा मेरा वहां पे,
ये नसारी इतना अच्छा प्लेयर है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ओके अटेम्प्टेड, ओके ओके बचा है। मेरे को लगा हाइपर मोशन आ रहा है, अगर मेरे ख्याल से गोल होता तो हाइपर मोशन दिखता हमको। ठीक है, छोटे छोटे पास, एक किसको दे रहा है, गलत बंदे को दे दिया, पोजीशन में था ही नहीं वो। नसारी के पास ओपन स्लॉट मिलता हुआ और ये गोल अटेम्प्ट ऑलमोस्ट डन कर दिया था। लॉरिस काफी गुस्से में, लॉरिस मैं कहता एल साइलेंट है इनका, पहला लॉरिस ही होगा इनका नाम, काफी गुस्से हैं। मैंने सब्स्टिट्यूट भी कैंसिल कर दिया कि भाई आप सब्स्टिट्यूट के भरोसे मत खेलो, ये जो प्लेयर्स हैं इनके साथ ही कुछ सही करके दिखाओ। तो पहला मैंने सब्स्टिट्यूट कैंसिल किया यहाँ पे, अभी तक जो तीन कॉल आए थे उसमें से बाकी दो मैंने एक्सेप्ट किए थे। अगेन अपने पास, अरे यार 65 मिनट्स हो गए हैं, जस्ट इमेजिन 20 मिनट्स का गेम प्ले पूरा हो गया है और तब से ये सिर्फ कॉर्नर पर ही खेल रहे हैं, चौथा कॉर्नर सब्स्टिट्यूट एक्सेप्ट किया है। काफ़ी वक्त लिया, ठीक है, हमें क्या हमें क्या हमें क्या हमें क्या, आ मिल गए मिल गए मिल गए, छोटा पास छोटा पास छोटा पास, ओए भाई स्प्रिंट नहीं, ठीक है जरूरत हो उतना ही स्प्रिंट लेना है। ओके नाइस नाइस नाइस, अभी आगे कैसे जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, वो लोग भी स्प्रिंट करेंगे तो उनकी भी गलती है। ठीक है, इस बार मैं लेफ्ट से आगे बढ़ रहा हूँ, बाद में अंत में डीप में देखेंगे क्या होता है, कम से कम पोजीशन तो रहे। मालूम पड़े भैया आपकी पोजीशन ही नहीं हो रही, तब से आप कॉर्नर खेल रहे हो 10 मिनट से। एक मौका एक मौका एक मौका, एक फिराक में है और यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, ग्राउंड पे पूरा लपेट के घसीटा था गेंद को, फायदा नहीं हुआ है। बट कॉर्नर अब यहां पे आता हुआ, ये भाई सेमीफाइनल ऑफ कॉर्नर किक हो गया है, जो ले गया उसकी गेम है। हमने यूज किया, एम्बापे को आउट कर दिया गया, थुर्रम थुर्रम खान नहीं थुर्रम आए यहाँ पे। और यार एम्बापे को क्यों निकाल दिया, लास्ट टाइम मेसी ने किया था गोल। थोड़ा मैं आगे दे रहा हूँ इनको, हेडर मिस, कोई नहीं, अभी अपने पास फुटबॉल रहे वही बड़ी बात है। अटेम्प्टेड है, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, बट यार गोल चाहिए। ये बॉन्ड है क्या, जेम्स बॉन्ड नहीं है, कोई और बॉन्ड है, नंबर एक इनके कीपर। और हाँ, कीपर की परीक्षा हुई है अच्छी खासी, वन ऑन वन में भी हुई थी, लॉन्ग पास में भी हुई है, लॉन्ग अटैक में, लॉन्ग रेंज में भी हुई है और शॉर्ट रेंज में भी हुई है, तो काफ़ी सही रहे हैं अभी तक। एक और कॉर्नर, आज कॉर्नर दिवस मना दो भाई आप लोग। किक और अटेम्प्ट यहां पे पैर के बीच में से मिस, कैसे हो गई गेंद तुम्हारे भाई, वन ऑन वन नहीं, ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं, रोक उसको, क्या कर रहा है, इतनी बढ़िया रनिंग इसने कर ली भाई, इसका स्टेमिना बचा था क्या, अबे क्या कर रहे हो सब। ओके ये किसको दे दिया, पीछे दिया, ओके 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 ओके, नथिंग इज ओके भाई, ऑल इज वेल, नहीं कहूंगा मैं, अभी थोड़ा बेहतर है, अभी थोड़ा बेहतर है। 78 मिनट्स, और हाँ भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बोरिंग फुटबॉल है, काफी कड़क कंपटीशन देखने को मिला है। लक का साथ अगर है आपके साथ तो गधा भी पहलवान बन जाता है। फिर कॉर्नर, फिर भी कॉर्नर, फिर कॉर्नर, आज आप कॉर्नर्स पे ही खेलो। आप मोरक्को भी यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, लगातार आज सब्स्टिट्यूशन यूज हुए हैं, मुझे लग रहा है मैंने अपने सारे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिए हैं। 16 नंबर इन हो रहे हैं और हमारा कॉर्नर का गेम प्ले भी इन होता हुआ, अच्छा खासा पावर डाला है, लेकिन भैया गेंद ही हमारे अटेम्प्टेड पीछे लो थोड़ा। ठीक है, तो मैं जिसको चाहता हूँ उसको मिले तो फिर कुछ चांस बने भी, बाकी जिसको मैं नहीं चाहता उसको दोगे तो क्या होगा। एक और कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर सेमीफाइनल, 19 आउट 21 इन, नसारी को आउट कर दिया, येलो कार्ड था आई थिंक इस कारण से। लास्ट में और अग्रेशन दिखा रहा है मोरक्को, अपने बेस्ट प्लेयर्स को मैदान में डाल दिया लास्ट के 5 मिनट, 2 चांसेस हैं मेरे हिसाब से इस वक्त गोल करने के, और इस बार अटेम्प्ट होना चाहिए था, बड़ा कहां गई गेंद, मिस हो गया, कॉर्नर खत्म। मोरक्को यहां पर रिलैक्स रह पाएगा अब, और सिनेरियो कुछ ऐसा बैठा है कि 9 सेव किए हैं बोनो ने, सीरियसली 31 साल के हैं, 9 सेव मारे इन्होंने, 9 सेव्स लिखा आ रहा है। 86 मिनट्स 87 मिनट्स पूरे होते हुए यहाँ पर इंतजार हो रहा है लॉन्ग पास और शॉर्ट पास, लॉन्ग पास लॉन्ग पास लॉन्ग पास, मेरे पास भी मौका रहेगा होल्ड करने का। किसने लिया किसने लिया किसने लिया, मैंने लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकल सकते हो। एक अच्छा पास, लास्ट मौका, कौन ले जाएगा यहाँ पर बारी, किसकी तरफ ये ट्रॉफी है, अटेम्प्ट है यहाँ पर, गोल कन्फर्म होना चाहिए, फिर से अटेम्प्ट, मेरे ख्याल से पहला अटेम्प्ट जो था वो कन्वर्ट होना चाहिए था भाई, 1 मिनट भी नहीं बचा है ये, मतलब समझो कॉर्नर दिया गिरा खत्म, सिटी बजने वाली है,
खत्म थी ये वीडियो, लेकिन नहीं अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हेडशॉट कॉर्नर या फिनिश, नहीं ये काफी खुश हैं। अच्छा 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, उस हिसाब से तो एक और मौका बन सकता है गोल का। 4 मिनट्स लुक्स इनफ। ठीक है कॉर्नर आई थिंक कंटिन्यू हो रहा है, कॉर्नर कंटिन्यू हो रहा है। ओके नहीं नहीं एक बॉल अपने पास अपने पास अपने पास रखो भाई। ठीक है लॉन्ग अटेम्प्ट, शॉट रोक लिया गया है, खत्म भाई। एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है हमारा, फिर से यहाँ पर जो होगा फिर से 15-15 मिनट के 2 हाफ होंगे। अगर उसमें भी रिजल्ट नहीं आया तो फिर पेनल्टी जाएगा। लास्ट टाइम तो पेनल्टी निकल गया था, इस बार पता नहीं भाई। लेकिन फ्रांस का डिफेंस, मैंने कहा था गोल नहीं करने दूंगा, बट सवाल ये था कि क्या मैं गोल कर पाऊंगा मोरक्को के सामने। अभी तक जवाब आया नहीं यार। हम लोग अब एक्स्ट्रा टाइम्स के साथ 15 मिनट्स के 2 हाफ। सवाल ये है कि कौन इसको अपने फेवर में ले पाएगा। डिफेंडर्स का स्टेमिना अच्छा खासा खर्च हो गया है मेरे। इनके अटैकर का स्टेमिना नहीं दिखता तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। आगे बच जान देना। ओके 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 बच गया इस बार। ओ मैंने जान दे दिया था गलती से, चली गई थी गेंद आगे। अब हम इनको दौड़ाएंगे, इनको ये सामने कोई है ही नहीं। साइड टर्न लिया था बट तब तक देर हो गई बहुत ज़्यादा। अब ये क्या कर रहा है, लॉन्ग पास। ठीक है तुम पीछे ही रहो भाई। हाँ मैं अभी थोड़ा डिफेंसिव खेल रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है। बट एक मिस्टेक गड़बड़ कर देगी सारी की सारी। अभी भी ऑन है मोरक्को, अभी भी ऑन है मोरक्को। नाइस स्किपिंग लॉरिस की, चूक जाते तो फिर कंफर्म गोल था। ए यार फ्रांस भाई, चमक नहीं दिख रही तेरे डिफेंस की, गड़बड़ लग रहा है गेम प्ले में। ओह बचा बचा बचा, नाइस नाइस नाइस। ठीक है इनका स्टेमिना है बट अभी किसी काम का नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा तगड़ा डिफेंस है ना मोरक्को का कि मेरे को जाने ही नहीं दे रहे आगे, जाने ही नहीं दे रहे, जाने ही नहीं दे रहे, मिडल के पार ही नहीं जान दे रहे। मोस्टली इन्हीं की तरफ रह रहा है गेंद, वही लास्ट टाइम जैसे शुरू में वो किया था सारा का सारा। ठीक है लास्ट टाइम सब कॉर्नर शुरू में खेले थे, 20 मिनट तक कॉर्नर चला था। भाग 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 भाग, फाइनली ग्रीज़मैन को मौका मिला है तेज गति से भागने का। कॉर्नर थ्रो इन आ सकता है। मैंने ये क्या यार, उसको थ्रो इन दे दिया, दिन खराब हो तो यही होना बाकी ना कि समय खत्म। अबे 15 मिनट पता ही नहीं लगते कब खत्म हो गए यार। आखिरी 15 मिनट, मैं नहीं चाहूंगा पेनल्टी, मैं नहीं चाहूंगा पेनल्टी यहां से। चूक है यार मेरे भाईस 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 फ्रॉम फ्रांस। दौड़ा दिया, स्टेमिना है ही नहीं उसका, आगे से कवर कर रहे हैं। और नाइस 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 नाइस, निकाल 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 मेरे भाई। वन ऑन वन, अब ये एक अच्छा पास खत्म कर देगा। फिर फंस गए यार उसके चक्र में। अरे आई हेट कॉर्नर्स चक्रा, ये चक्र घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। 5 नंबर कॉन्डे आउट है, पवार्ड को इन किया है। पता नहीं गोल कन्वर्ट होंगे कि नहीं। अरे नहीं नहीं इनका मौका है ना ही हो तो अच्छा है। हेडर 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 हेडर, आगे जाओ वो देगा पास। अब यहाँ से भी ये गोल कर जाए तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है कोई। ये किसको दे दिया, फिर कॉर्नर दे दिया भाई। मैंने उस तरफ दिया था, ये पता नहीं कैसे इन्होंने वापस कॉर्नर में फंसा दिया इनको। मोरक्को के फुल चांस है, 8 मिनट बाकी हैं। फुल चांस मतलब फुल चांस भाई। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है भाई। आ जाओ वन ऑन वन, देखते हैं कौन निकाल पाता है। ओ भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 नाइस 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 नाइस। तू भाई आगे तो चलो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, क्या बकवास अटेम्प्टेड है। किस्मत दे रही है साथ, किस्मत दे रही है साथ। ग्रिज़मैन 0 रिएक्शन गोल है भाई, अनबिलीवेबल, लहरा दिया है यहाँ पे। अब ये सेलिब्रेशन तो नहीं होता बट आपको ये सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। ये नहीं मिला क्या देखने को, एम्बापे का है ना, बट मैं कर देता हूँ ना। लास्ट टाइम हमने किया था श्यू, भले अर्जेंटीना का मैच, गिर जाओ सब, दबा दो ग्रिज़मैन को, हल्ला बोल दो भाई। यहाँ पर किस्मत आपके साथ हो तो क्या नहीं हो सकता। फ्रांस क्वालिफाई के बहुत ही करीब है, और क्राउड का इतना तगड़ा सेलिब्रेशन मैंने पहली बार किसी गेम में देखा है, बहुत ही अलग ही लेवल का। ये देखो ये देखो किस्मत देखो, तर 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 ऐसे होते आइए गेंदे। कोई भी फील्डर सीधा दौड़ा ही नहीं यहाँ पर, कोई भी फील्डर यहाँ पर सीधा दौड़ा ही नहीं। और ग्रिज़मैन हीरो बनते हुए यहाँ पर विदाउट अ डाउट फ्रांस को पहुंचा दिया है यहाँ पर। अभी बस 4-5 मिनट हैं, सर्वाइव कर लो पिच पे।
मैच आपकी है, सिर्फ 2 मिनट किसी तरह से रोकना होगा यहाँ पे। और मोरक्को भी यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश लग रहा है, बट मैं खुद ही मौके दे रहा हूँ उनको। हद हो गई बेवकूफी की, हद हो गई। एक लॉन्ग पास, खत्म करो भाई, घंटी बजा दो, 2 मिनट बाकी हैं। आहा भाई, संभाल के वो लॉन्ग पास, थोड़े बड़े पास दे रहा है, संभाल के एक बार रोक ले, बस काफी खत्म। फ्रांस को भी हमने पहुंचा दिया है फाइनल में। अर्जेंटीना पिछले मैच में पहुंचा था कि नहीं उसके लिए देखने के लिए आपको पिछला मैच देखना होगा, बट ये मैच भी शानदार रहा, एकदम अंत तक दोनों टीमें लगी हुई थी एक दूसरे को आगे पीछे करने में। बट एक किस्मत, मैं कहूँगा किस्मत का साथ है, वो जो 2 बार पास छूट के मेरे पास वापस आ गया ना, 2 प्ले एकदम क्लोज खेल रहे थे, उससे छूटा उसने पकड़ा, फिर ग्रिज़मैन ने जो गोल किया है वो कारण बनेगा यहाँ पर फ्रांस की जीत का। तो भाई इसमें तो भले तारीख अलग दिखा रहा है, हमारा रात को 12:30 बजे मैच चालू होगा, तो उस वक्त आपको पता लगेगा कि इन दोनों में कौन जीतने वाला है। बाकी प्रेडिक्शन आपके सामने है, फ्रांस को मैं चाहता भी हूँ जीतना और हमारे प्रेडिक्शन में जीता भी है फ्रांस। अब एक तीसरा राउंड उनका होगा जो रियल होगा, वहाँ पर देखना है जीत पाता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा गुड डे यार। लाइक जरूर करना यार वीडियो को। अभी एक ही मैच बाकी है फीफा 23 का फाइनल का, लाइव स्ट्रीम के साथ भी जल्द वापसी करेंगे। टेक केयर, एंजॉय द फीफा वर्ल्ड कप।